जीडीएस का आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, मतलब फाइनली आपका रूल बुक आ चुकी है, कितनी टोटल वैकेंसीज हैं, क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, सारी चीजें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये इसका फ्रंट पेज है जिसमें कुछ क्रूशियल्स आपकी डेट है जो मैंने ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो में आपको बता दिया था। तो इस वीडियो में हम लोग स्टेट वाइज, मतलब किस स्टेट में कितनी वैकेंसी, और वो भी कैटेगरी वाइज, मतलब इस स्टेट के अंदर हर कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है। सभी को पता है, लास्ट वीडियो में मैंने भी बताया था कि 48,889 की समथिंग आपकी पोस्ट है, हालांकि ये वैकेंसी कम है, अभी और होगी, मतलब ये वैकेंसी 70 के पार जाने वाली है। ठीक है, तो अगर हम लोग स्टेट वाइज वैकेंसी की बात करें, स्टेट वाइज वैकेंसी की बात करें तो ये आपके सारे स्टेट हैं। ठीक है, और स्टेट के अंदर भी जितने सर्किल होंगे, जैसे आपको कहीं कहीं महाराष्ट्र में 2 दिखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में आपको 4 दिखेंगे, वेस्ट बंगाल में आपको 6 या 5 दिखेंगे, ये सर्किल वाइज, मतलब इस सर्किल में इतनी वैकेंसी है इस कैटेगरी की। अच्छा, जो अभी हाल ही में 10th की है, 12th की है, और जिनकी एज मतलब 22 या 25 से कम है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऐसे जॉब में ना आपको 4 से 5 घंटे का पूरे दिन में टाइम देना है, उसके बाद आप आगे की भी तैयारी कर सकते हो। तो अगर आप लोग आगे अपने मतलब सेल्फ डिपेंड होकर पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, देखो हर स्टेट की, जैसे आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो क्या आप किसी भी स्टेट में फॉर्म फिल कर सकते हो? ये बिल्कुल नहीं होगा। आपको ना उस स्टेट का रीजनल लैंग्वेज आना चाहिए, और ये चीज इन्होंने साइड में ही दे दिया, मतलब लोकल लैंग्वेज। जैसे अगर आंध्र प्रदेश की बात करोगे तो तेलुगु आपको आनी चाहिए। अब उन्हें कैसे पता चलेगा आपका, आपको तेलुगु आता है या नहीं? तो इसके लिए जो आपका 10th का मार्कशीट है ना, उसमें एक सब्जेक्ट आपका तेलुगु होना चाहिए। जैसे मान के चलो आप मध्य प्रदेश से अप्लाई करना चाहते हो, तो मध्य प्रदेश में जो लोकल लैंग्वेज है, यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है, वो हिंदी है। तो 10th क्लास में आपका एक सब्जेक्ट हिंदी का होना चाहिए, तो ऐसे वो समझ जाएंगे कि हाँ, इस बच्चे का लोकल लैंग्वेज आता है इसे। अब जैसे आंध्र प्रदेश तेलुगु, असमिया या बंगाली, बंगला, ठीक है, या बोडो, बिहार में हिंदी है, छत्तीसगढ़ में हिंदी है, दिल्ली में हिंदी है, गुजरात में गुजराती है, ये सारे हर एक स्टेट का इन्होंने लोकल लैंग्वेज देकर रखा है। अब वैकेंसी की बात करोगे, अच्छा ये मत देखना कि सबसे ज्यादा वैकेंसी कहाँ है, वहीं पर अप्लाई कर दो, फिर आप लोगों को बाद में नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई एक बात बताओ, वैकेंसी सबसे ज्यादा मान के चलो आप कहाँ देखोगे, यहाँ देख लो 2,400 या 3,000 सबसे ज्यादा वैकेंसी यहीं पे, और ये कहाँ पे आपका कर्नाटका में। अब कर्नाटका में तब डालोगे जब आपको कन्नड़ आती होगी, तो ऐसे मत कर देना कि भाई कर्नाटका वैकेंसी ज्यादा देखकर हम लोगों ने डाल दिया और बाद में हम लोगों को कन्नड़ आई नहीं, या फिर 10th का हम लोगों का एक सब्जेक्ट कन्नड़ नहीं था तो बाहर हो गए। तो ये गलती मत करना, लोकल लैंग्वेज पहले देख लेना। जैसे मान के चलो, हाँ कंपेरिजन अगर करना है, जैसे मान के चलो मेरी लोकल लैंग्वेज हिंदी है, मतलब मेरा एक सब्जेक्ट हिंदी था, अब हिंदी में देख लो कौन कौन से स्टेट है, जैसे आपका बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, इनमें देख लो कि इनमें सबसे ज्यादा वैकेंसी कौन से स्टेट में है और आपकी कैटेगरी में यहाँ पर कितनी वैकेंसी है। तो टोटल अगर आप ग्रॉस करोगे ना, तो 40,40889 आपको टोटल वैकेंसी मिलेगी, हर कैटेगरी की अलग, जनरल अलग, ओबीसी अलग, एससी अलग, एसटी अलग, ईडब्ल्यूएस अलग, हर कैटेगरी की अलग। इसका ये पूरा पीपीटी आपको एमपी परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप एमपी परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, या नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक भी देखे रखा है, वहां पर आप ज्वाइन कर लो और यहाँ पर देख लो कि आप जिस स्टेट में अप्लाई करना चाहते हो उस स्टेट में आपकी कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है। बाकी और भी अगर आप लोग आगे आगे तो पढ़ोगे, क्योंकि इस जॉब के भरोसे तो आप नहीं रहोगे, तो उसके लिए आपको परीक्षा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम का आपको वीडियो कोर्स मिलेगा, और एक बार आपको यहाँ पर साल में केवल एक बार आपको प्रो की मेंबरशिप लेनी है, और उस मेंबरशिप के बाद पूरे एक साल तक आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे एसएससी की करना, चाहे किसी भी एग्जाम की, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो आपके सेंट्रल लेवल का हो, या फिर आपका रेलवे हो, हर एक एग्जाम का यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, और प्रो की मेंबरशिप के लिए आपके पास एक रेफरल कोड भी है, SOMSER40, इससे आपको 40% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, इससे आपको 40% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अच्छा, अगर आप लोगों का डाउट हो कि सर एमपी स्टेट से सपोज मान के चलो मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो एमपी में भी कहाँ से, जैसे अगर कोई एमपी का होगा और बोलेगा कि भाई जॉब लग जाए इंदौर में और वहीं से आगे की तैयारी करते हैं, तो अगर आपको स्टेट के अंदर की भी, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अगर आपको वैकेंसी जाननी है ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना, जिस स्टेट के सबसे ज़्यादा पहले कमेंट आएंगे उसी स्टेट का मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज भी वैकेंसी बना दूंगा, या आप कैसे चेक कर सकते हो उस वैकेंसी को, ये भी मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा।
बाकी इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर।